नमस्कार, पुलिस की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज। इस बार गुरु पूर्णिमा मेले पर एक ओर जहां अनुमान के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ न पहुंचने के कारण मंदिर सेवायतों, ठेकेदारों और स्थानीय दुकानदारों को भारी नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यों के दाव की पोल इस गुरु पूर्णिमा मेले ने खोल कर रख दी है। जगह जगह अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। त्रयोदशी की रात से लेकर खबर लेकर लिखे जाने तक मानसी गंगा से लेकर पुरोहित पायसा तिराहे तक लगभग चार लठों पर लाइट नहीं जल रही थी। विद्युत विभाग और MVA DA तथा नगर पंचायत को सूचना पहुंचाने के बाद भी रात से दूसरे दिन दोपहर तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहां तक कि सभी विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए और अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। रात को जहां श्रद्धालु अंधेरे में स्नान करने को मजबूर थे, तो वहीं दिन में मानसी गंगा पर सुबह से ही फव्वारे बंद हो गए हैं और श्रद्धालु बगैर नहाए प्रशासन को कोसते हुए खींचकर वापस जाते हुए नजर आए। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद भी आंख मूंद कर इन विभागों की लापरवाही को देख रहे हैं, लेकिन किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस बार का गुरु पूर्णिमा मेला प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही के रूप में जाना जाएगा। जहां अव्यवस्थाओं का मेले के प्रारंभ से आखिर तक दौर चला, तो वही स्थानीय दुकानदारों, मंदिर सेवायतों, ठेकेदारों आदि के लिए भी घोर निराशाजनक रहा है। मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए, क्या समस्या आ रही है? यहाँ समस्या ये है कि दो घंटे से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ट्यूबवेल है जितने भी सारे बंद पड़े हैं। यहाँ पूरी पब्लिक खड़ी हुई है, सारे परेशान है, नहाने के लिए आए हुए हैं लोग, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कैसी भी। यहाँ पे हम घूमने फिरने के लिए आए हैं जी, और ऐसे स्नान करने के लिए आए हैं, परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं जी। तो हमारे ये बारे बंद मिले हमें। मानसी गंगा में स्नान नहीं हो पा रहा है आपका? नहीं हो पा रहा। बाहर जो फुहारे चालू थे कल तक, क्या वो चालू? आज तो बंद है, पता ना कब से बंद है। आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हम अभी दो घंटे, दो तीन घंटे हो गए। तो तब से फुहारे चालू नहीं है और ना ही कोई प्रशासन का यहाँ अधिकारी या पुलिस वाला मौजूद है? इधर साहब लाइट तो है पर ऑन नहीं है, बिजली विभाग वालों की बहुत कमी है। इधर लेडीज भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, किसी के छेड़ किसी के छेड़खानी भी कर सकते हैं बिगर किसी के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पीछे वहाँ फब्बारे भी चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। गंगा पे और ऊपर ट्रांसफार्मर लग रहा है, उस पर लाइट वगैरह भी हैं जी। तो आप परिक्रमा के रास्ते से ही यहाँ पे आए? हाँ जी, परिक्रमा के रास्ते। रास्ते में कहाँ कहाँ आपको और लाइट नहीं मिली? सब पीछे भी लाइट नहीं मिली है, कुछ गली के मोड़ पे पीछे उधर भी नहीं थी लाइट, वहाँ भी नहीं है जी। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? सब प्रशासन से कहना चाहते हैं अब इसकी व्यवस्था कराएं। जो भक्त आते हैं उनको परेशानी होती है, यहाँ के रिपट भी सकते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी भी हो सकती है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है यहाँ उचित समय से बिजली की व्यवस्था करवाई जाए।